Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, if you remember, I'm Rishita. Yes, I remember. How are you? Fine, sir. How are you? I'm good too. Thank you. Sir, return तो file हो ही गया था. बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था आपके साथ रिटर्न फाइल करने का एंड आपने टैक्स सेविंग में काफ़ी मेरी हेल्प की थी. बहुत अच्छा लगा था. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ, मतलब रिटर्न फाइल कराने का. सर, तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी. सर, सैटरडे को ना हम लोग कलीग्स ऐसे ही बैठे हुए थे और म्यूचुअल डिस्कशन हो रहा था, तो ना उसमें से किसी ने एक वर्ड, मतलब एक बात बोली थी कि जैसे कि रिटर्न फाइल करने से कि आपने पहले क्या AIS चेक किया था या 26 AIS आपने जी कुछ ऐसे ही उन्होंने यूज़ किया था. तो सर उस टाइम मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है, तो मैंने सोचा कि आप इतने हेल्पफुल हैं, मेरे इतने सारे डाउट्स आपने क्लियर किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही पूछूँ. तो सर ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या होता है, मतलब. ज़रूर ज़रूर. बल्कि आप जब क्वेश्चंस पूछती हैं ना तो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है. मैं आपको बताता हूँ तो उसी के साथ में मैं अपने YouTube के लिए भी एक ना वो वीडियो तैयार कर लेता हूँ ताकि मेरी ऑडियंस भी इससे इन्फॉर्म्ड रहे और उनको भी एक हेल्प हो सके. पर्पज़ ये भी रहता है. तो आपने AIS की बात की है, 26 AIS की. ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया था. अच्छा. इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, आप जहाँ जहाँ आपने पैन नंबर अपना दिया हुआ है या आधार दिया हुआ है जी सर, उससे क्या है वो रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है. ओ. और वो आपको अवेलेबल इसलिए करवाता है ताकि आप अपना रिटर्न फाइल करने के टाइम कोई डिटेल्स मिस ना कर जाए. AIS हो गया एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसमें सारी आपकी ट्रांजैक्शंस नोइंगली अनोइंगली जो वहाँ पे आपने डाली हुई हैं वो सारी आपको अवेलेबल कराए. लास्ट कुछ सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दिया है. जैसे एग्जांपल हो गया, आपने कोई अगर मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड्स के लिए कोई प्रॉपर्टी बिक्री खरीद की है, आपके सेविंग्स में आपके फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आ गया, मतलब आपकी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वहाँ पर दिखेगी. तो आप कहीं गलत रिटर्न फाइल ना कर दें तो AIS और 26 AIS अवेलेबल कराया गया है. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगेन एक ऐप निकाला है जी सर AIS पे. मैंने अभी कुछ दिन पहले अगर आप मेरे अगर फॉलो कर लेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि मैंने एक इस पे डाला हुआ है जी सर अपना. तो उसमें भी मैंने बताया था आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और आप हमेशा एक्सेस कर सकते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या चीज़ आपके उसमें चल रहा है. उससे क्या होता है आप बैंक्स या फिर और कोई ट्रांजेक्शन में कोई कुछ गलती हो जाए तो आप ठीक भी करवा सकती हैं. अच्छा. तो आपका जब रिटर्न हमने फाइल किया तो उसमें हम लोग का एक पहले कोई भी प्रोफेशनल होगा ना तो वो इस टाइप के ट्रांजेक्शन के पहले आपका रिटर्न फाइल करने के पहले AIS को हम लोग चेक करते हैं, 26 AIS को चेक करते हैं, फिर आपके साथ क्रॉस चेक करते हैं, फिर उसके बाद उस रिटर्न को फाइल करते हैं. अच्छा. ताकि कभी बाद में आपको कोई इनकम टैक्स कोई इंटीमेशन नोटिस नोटिफिकेशन नहीं आ जाए. कोई नोटिस आ जाएगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या हो गया. आजकल किसी को नोटिस एक आ जाए तो वैसे बहुत परेशान रहता है. तो इसीलिए हम लोग जब भी AIS और 26 AIS करते हैं चेक करते हैं. आप भी एक काम करना कि इसको आप डाउनलोड कर लें, मेरा वो देख लेना आप वीडियो. ओके सर. और उससे आप उसको डाउनलोड करना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. सर तो साल भर जो पूरा कुछ हुआ लगा पूरा ईयर का इन्फॉर्मेशन उसमें दिखाई दे देगा हमें. सारा इन्फॉर्मेशन उसमें. कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन कुछ 19-20 हो या लेट हो ना या कोई जल्दी आ जाए तो उससे आपके पास तो फिजिकल कॉपी ट्रांजेक्शन की होती है तो आप हमेशा क्रॉस चेक करके उसको करेक्ट रिटर्न फाइल करने में करेक्ट फिगर्स आप प्रोवाइड कर सकती हैं. ओके सर. एक आपके लिए सपोर्ट के लिए है, आपके क्लेरिफिकेशन के लिए है. दोनों बहुत मददगार है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से. सर ये नॉर्मल पीपल भी एक्सेस करके देख सकते हैं? कोई भी अपने आप वहाँ पे ऐप चाहिए, वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाएगा, वहाँ पे ऐप होगा AIS फॉर योर नॉलेज कुछ ऐसा कुछ करके उसको डाउनलोड करेंगे. उसमें वो आपका ईमेल आईडी पूछेगा, आपका पैन नंबर पूछेगा और फिर सिर्फ वो आपके मोबाइल के लिए आपके लिए अवेलेबल होगा. वो सर आप एनी टाइम एक्सेस कर सकती हैं, दिन हो रात हो कभी भी. तो वो उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन से आपको अब मन में कोई डाउट हो तो क्लियर. नो सर. नो सर, आपने बहुत अच्छे से मेरा डाउट क्लियर कर दिया. बहुत ही हेल्पफुल तरीके से आपने मेरी हेल्प की है. अपने कलीग्स को भी बता दीजिए जिसको नहीं पता होगा ना. यस सर. बता दीजिएगा. थैंक यू वेरी मच सर. वेलकम वेलकम ऑलवेज वेलकम.